उधर लोकसभा चुनाव का असर शादी समारोह पर भी पड़ रहा है, तो एक और बाजार में सोने के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। तो वहीं जिले की सीमाओं पर चल रहे सघन चेकिंग अभियान ने चिंता को बढ़ा दिया है। ऑर्डर पर तैयार करवाए गए आभूषण भी ग्राहक ले जाने में जो हैं परहेज कर रहे हैं, इससे दुकानदारों भी जो है वो उलझन में है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों के सामने सबसे बड़ी समस्या भुगतान की हो रही है, क्योंकि सोने के दाम आसमान छू रहे हैं और जेवरातों की कीमत भी लाखों में हो गई है, जबकि नकदी ले जाने की सीमा मात्र 50,000 है, जिसको लेकर ग्राहकों में चिंता है। आभूषण का बिल देने के बावजूद भी वो दुकान तक पहुंचने में हिचकिचा रहे हैं। वहीं सराफा एसोसिएशन के सदस्यों ने इस समस्या से पदाधिकारी को अवगत करवाकर रास्ता निकालने की मांग की है। सर भाव आज से 15-20 दिन पहले 64,000 के लगभग चल रहा था, अब आज भाव 72,000 ऊपर हो गया, अब माल भी नहीं आ रहा है पूरा, तो और भाव इतना पड़ गया तो ग्राहकी का भी बहुत, हम जिस रेट में ऑर्डर ले रहे उसी रेट में नुकसान जा रहा, अब ग्रामीण इलाकों के कस्टमर आ ही नहीं पा रहे, क्यों वो आते डरते चेकिंग चल रही है, हम पैसे लाएंगे तो इतना कैसे बताएंगे, क्या है ग्रामीण इलाके के ग्राहक ही नहीं आ पा रहे हमारे पास। मेरा महेश सोनी है। चुनाव में अभी एक तो भाव बढ़ गया सोने चांदी के, चुनाव में दर पकड़ रहती है तो व्यापारी कोई भी कस्टमर आवे तो पैसा ला नहीं सकता 50,000 से ज़्यादा। फिर आप अभी ग्राहकी में कितना असर इससे पड़ा? ग्राहकी में तो असर फुल असर चल रहा है अभी, ग्राहक गांव के ग्राहक तो आ नहीं सकते हैं और माल ले जा नहीं सकते हो।